ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और पंजाब में पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका एक संदेश राष्ट्र स्तर पर जो है वो जा रहा है वो मुझे लगता है कि पंजाब के हित में नहीं है और राष्ट्र के हित में भी नहीं जिस प्रकार से घटना घटित वहां पर हो रही है। इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है और खासतौर से उनकी सिक्योरिटी एक दिन पहले विड्रॉ करना और दूसरे दिन उनकी हत्या होना, तो एक सिक्योरिटी देने का या लेने वापिस लेने का एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, एक किया होता है, उसमें एक कमेटी जो है वो रिव्यू करती है कि सिक्योरिटी थ्रेट कितना किस आदमी को है, उसके आधार पर सिक्योरिटी दी जाती है। एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक निर्णय लिया गया कि बिशप को वापिस लेना सिर्फ खबर बनाने के लिए और खूब अपने अखबार में खबर छापने के लिए, और इस तरह से उन्होंने एक प्रयत्न किया है और ऐसे में ही घटना घटित हुई और जो कल घटना घटित हुई है ये चिंता का विषय है। अभी 2 महीने की सरकार में ही लोगों के हाथ में AK-47 का आ जाना ये चिंता का विषय है, पंजाब के लिए नहीं और पूरे देश के लिए है। और वहाँ पर जिस प्रकार के घटना अभी हिमाचल प्रदेश में जो घटना घटित हुई थी, जहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे, जहाँ पर वो खालिस्तान के वो निशान लगा दिए गए थे, झंडे लगा दिए गए थे, हम उठा करके लाए उन पंजाब से उन लोगों को, अगर उस सारे मामले को लेकर के मैं कह सकता हूं कि कार्यवाही तो पंजाब के स्तर पर होनी चाहिए थी, लेकिन पंजाब के स्तर पर कार्यवाही नहीं, हमारी पुलिस ने कार्यवाही की, उनको गिरफ्तार करके लिया।